एक मर्तबा फिर आपको इनाम घर में खुशामदेद। आइसक्रीम मिलना शुरू हो गई, तो अब आ रहे हैं आज इनाम घर में एक ऐसे मेहमान जिनका मुझे भी इंतजार है, और वक्फे में जाने से पहले मैं आपसे कहकर गया था कि आप भी इंतजार कीजिएगा। नाम है उनका शाहरुख, लेकिन वो काम क्या करते हैं वो यहां पर आपको आकर ही बताएंगे। इस्तकबाल कीजिए, आ रहे हैं शाहरुख। आग से फूल बना दिया, वाह भाई वाह। जनाब शाहरुख साहब माइक लाइएगा। शाहरुख बेसिकली इल्यूजनिस्ट हैं, और अपने बारे में कुछ बताइए शाहरुख। अस्सलाम वालेकुम, एक दफा जोर दर अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो आमिर भाई का बहुत बहुत थैंक यू कि उन्होंने मुझे यहाँ दावत दी, और बहुत खुशी हुई आमिर भाई आपसे यहाँ पे मिलकर, और बहुत मुझे अच्छा लगा। बेसिकली मैं प्रोफेशनल ग्राफिक और वेब डिजाइनर हूँ, ठीक है, और मैजिक में ये जो इल्यूजन है ये मेरी हॉबी है, ठीक है। इसके अलावा अभी आमिर भाई बहुत सारे लोगों को बहुत सारा गिफ्ट देते हैं, आज आमिर भाई के लिए भी मैं गिफ्ट लेके आया हूँ, पर इससे पहले अभी मैं एक इल्यूजन कर रहा हूँ, तो काइंडली उसको करने की कोशिश नहीं कीजिएगा, दो मिनट रुकिएगा, ठीक है। ये पहले मैं आपको ये बता दूं, एक डिस्क्लेमर भी है ये, और आप लोग इसमें होशियार भी रहिएगा, इसमें से कोई भी करतब आप खुद करने की कोशिश मत कीजिएगा। ये इल्यूजनिस्ट हैं शाहरुख साहब, और ये माहिर हैं, तो बराए मेहरबानी जो इस वक्त टेलीविजन स्क्रीन पर हमें देख रहे हैं, आप खुद ये काम करने की कोशिश मत कीजिएगा, इट्स अ डिस्क्लेमर, इसको याद रखिए। जी शाहरुख साहब, अब क्या करने वाले हैं आप? अच्छा, इनके अभी माइक लग रहा है। शाहरुख साहब के लिए तालियां होनी चाहिए, बाल बड़े खूबसूरत हैं आप, वक्त लगाओगे बढ़ाने में। थैंक यू। अच्छा, एक माइक खोल दिया इनका, ओके सही है, ओके थ्रेड दे दीजिएगा मुझको लेके एक अदद। वकास साहब जो हैं वो थ्रेड लेके आ जाएं जरा सा, धागा थ्रेड कहां पर है इनका? वकास हो गए क्या? थ्रेड, थ्रेड चाहिए आपको? थ्रेड लेकर आए भाई, इधर हैं आप, आ जाइए आ जाइए। हमारा दरवाजा कभी कभी बंद हो जाता है। अच्छा, ये जी आमिर भाई के लिए पहले तो गिफ्ट है, ये गिफ्ट लेके आया हूं मैं, तो ये आमिर भाई की कदर आपके लिए गिफ्ट है। अच्छा, आमिर भाई बहुत सारा गिफ्ट बहुत सारे लोगों को देते हैं, आज आमिर भाई ये गिफ्ट है, बट मजा ये है कि अगर इस गिफ्ट में जान आ जाए, इस गिफ्ट में अगर जान आ जाए। अच्छा जी, अच्छा जी, जैसे मैं तीन कहूंगा आप लोग बोलेगा जोर से, ठीक है, मैं तीन तक करूंगा आप लोग रेडी, फिर मैं इसको उसमें जान ला के दिखाऊंगा, ठीक है। वन टू थ्री, आर यू रेडी? बहुत सारी तालियां भाई, ये वकास को दे दीजिएगा, और वकास भाई थ्रेड आप फिर लेके चले गए, वकास भाई हमारे जो है बहुत जीनियस बंदे हैं, और ये अक्सर थ्रेड लेके गायब हो जाते हैं हमारा। थ्रेड लेकर फिर चले गए आप, किधर है भाई? वकास भाई, जनाब वकास साहब किधर रह गए? वकास साहब जगह ढूंढने की निकाल लेंगे, वकास साहब आ जाए, वकास साहब लाइए, फेंके लाइए, थैंक यू सो मच। अच्छा, अभी जो मैं कर रहा हूं, जितने भी देखने वाले हैं उनसे काइंडली गुजारिश है, प्लीज डू नॉट ट्राई दिस एट होम, काइंडली
ये जो करने जा रहे हैं इस वक्त, फिर मैं कहूंगा आपसे, गुजारिश करूंगा कि कोई इसको करने की कोशिश ना करे अपने घर में या कहीं पर भी. इट्स अ डिस्क्लेमर, याद रखिए, इट्स अ डिस्क्लेमर. कोई भी ये काम करने की कोशिश ना करे. मुंह से धागा लिया, आंख से निकाल रहे हैं. भाई आप लोग हौसला अफजाई तो कीजिए. आपकी ग्लासेस. थैंक यू सो मच. अच्छा कुछ फोक चाहिए होंगे मुझे, यहां पे फोक पड़े हैं. फोक, हाँ ठीक है, ये दे देते हैं हम आपको. कोई सा भी फोक दे दें आपको. जी जी. कोई सा भी? बिल्कुल कोई सा भी. अच्छा ये दो फोक मैं यहां से ले लेता हूं. ठीक है, ये आपके फोक है यहाँ के. ठीक है, अब इससे क्या होने वाला है ये आज मैं आपको दिखाऊंगा. बड़े काम के फोक होते हैं ये. वैसे देखा जाए तो इससे स्पेगेटी भी खाते हैं, बहुत सारी चीजें खाते हैं. सर किससे मैं दिख रहा हूँ? इससे, 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 जिससे भी आपका जी. आप इसको ऐसे ऊपर से पकड़ लीजिए, ऊपर से, दोनों हाथों से. ये रखिए दोनों हाथों से. बिल्कुल ऐसे. बिल्कुल वॉच. ऐसे पकड़े रखिएगा. अच्छा लोग कहते हैं कि शायद तुम्हारे कोर्ट में कुछ ऐसा जिससे तुम इसको बैंड कर दो. ना मेरे इस तरफ कुछ है और ना मेरे इस तरफ कुछ है. दोनों हाथ मेरे खाली. सही. और से देखिए. इसको भी कर दे. इसको दोनों हाथों से पकड़ लेगा ऐसे कोने से. ओ हो 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 हो. भाई शाहरुख के लिए तालियां होनी चाहिए. हमारे दो कांटे खराब कर दिए. और क्या बताएंगे शाहरुख का? अच्छा कार्ड दीजिएगा मुझे. टेबल चाहिए. टेबल 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 ला के दीजिए जल्दी से. भाई लाइए तहा. भाई ये गेम होगा आमिर भाई और मेरे दरमियान. अच्छा आमिर भाई इस कार्ड को शफल कर दीजिए. मैंने वैसे कभी ताश खेले नहीं है. कोई मसला नहीं, सिर्फ इसको ऐसे शफल कर. मुझे नहीं आता. मुझे जिंदगी भर इस खेल से हमेशा चल रही है. बस ऐसे कर लीजिएगा जैसा आपका दिल करे. इसमें यूं गुजर दूं? ये लीजिए. ठीक है, ये मेरे डेक है जो आपके पास है. आप अपनी डेक यहां रख दीजिए. ठीक है, गौर से देखिएगा जितने देखने वाले हैं. सबसे पहले मेरी डेक को आप आधा कीजिए. ऊपर से एक पत्ता उठाइए. इस पत्ते को कैमरे में दिखा दीजिएगा, मुझे मत दिखाइएगा. दिखा दिया. अब इसको उन पत्तों के ऊपर रख दीजिए. अब पूरा डेक उठा के इसके ऊपर रख दीजिए. वाला ये वाला. हाँ पूरा डेक उठा के इसके ऊपर रख दीजिए. नाउ अब अपनी डेक को मैं आधा कर रहा हूं. यहां से मैंने एक पत्ता उठा के देखा, इसको यहां पे रखा और इसको उठा के यहां पे रख दिया. ठीक है, अब इस डेक में से आप अपना पत्ता निकालिए. कहीं से भी. हाँ जो पत्ता आपने दिखाया था वही पत्ता इसमें से निकालें जो आपने पब्लिक को दिखाया. तो कहीं से भी निकाल लो. नहीं हाँ कहीं से उठा के पूरे पत्ते उठा लें. पूरे पत्ते उठा लें और ढूंढिए कौन सा पत्ता आपने पब्लिक को दिखाया जो आपने देखा था. सीधा करके. नहीं जो आपने दिखाया था पब्लिक को, जो दिखाया था आपने, जो पत्ता निकाल के देखा था जो पब्लिक को दिखाया था. वो अच्छा था? वो देखूं मैं पहले. जी जी. ये
नहीं ये तो काला वाला है, मुझे नहीं आता ये खेल, लाल वाला निकालना होगा। आपने मुझे बताना नहीं, आप पत्ता नीचे रख दें जो आपने दिखाया था। भाई आप किसी जो ताश वाला हो यहाँ पर है, जो ताश खेलता हो, ताश वाला कौन है? जो पत्ता डॉक्टर साहब ने दिखाया था वो दिखाया था, वो आप लोगों को याद होगा तो इधर आए। हाँ ताश कौन खेलता है? आ जाओ भाई आ जाओ, जल्दी आ जाओ, मैं ताश वाला आदमी नहीं हूँ। चले जी दोबारा से रखिएगा, अच्छे तरीके से पट्टे फेंट लें, अच्छे तरीके से पट्टे फेंट लें, इसको यहाँ पे रखिए, इसमें गड्डी आदि कीजिए। पहला पत्ता उठाइएगा, पब्लिक को दिखा दें, खुद देख लीजिए, देख लिया। अब इसको उस पर रख दीजिए, उस वाली पे, उससे उठाया था ना आपने, अब उस पर रख दीजिए, और पूरी गड्डी उठा के उस पर रख दीजिए, पूरी उठा के इस पर, ठीक है? ऐसे रखिएगा। यहां से पत्ता मैंने उठाया, एक कार्ड मैंने देखा, ये कार्ड आपको दिए, ये कार्ड मैंने आपको उठाया, अब इसमें से आप अपना पत्ता निकाल के दिखाएं और इधर रख दीजिएगा उल्टा। ठीक है, अच्छा इसमें से आपको पत्ता याद है अपना, ठीक है। चले जी बिल्कुल सही बात है, आपके कान में कुछ लगा हुआ है, अच्छा हम लोग दो हैं और ये एक है, मजा तब हो कि जिसको मैं दो कर दूं। इसको अपने हाथ में रखिएगा, ऐसे सीधे हाथ पर ऐसा रखिएगा, तालियां जोरदार। मुट्ठी कसके बंद कीजिएगा, हैंड खोलिएगा, दोनों आपके पास आ गए। एक अदद हजार का नोट चाहिए, मैं आपको एक मैजिक सिखा रहा हूं, एक अदद कड़क हजार का नोट। हजार का नोट कौन देगा? एक हजार रुपए का नोट, आइए आप आ जाइए, कड़क आ जाइए। ठीक है सर, थैंक यू, ये कार्ड आपने रखा हुआ है। ये पत्ते का क्या हुआ? अभी बताऊंगा मैं बात। अच्छा मुझे पीछे से आवाज आई है कि पत्ते में टाइम गया हो रहा है, थोड़ा सा आप दूसरा कर लें। सॉरी पत्ते में मुझे पीछे से आवाज आई किसी ने कहा टाइम थोड़ा सा वेस्ट हो रहा है, आपको जो बताएं। चले दी ये देखिए कड़क नोट आपके पास होना चाहिए, सबसे पहले आपने इसको ऐसे फाड़ना है, सॉरी बॉस ये मैं आपको सिखा रहा हूं, उसके बाद उसको आपने बाइट करना है, हजार का नोट खा गए। ये मैं आपको सिखा रहा हूं कि आप लोग तैयार हैं, आर यू रेडी? सबसे पहले किसी एक बंदे का हजार का नोट कड़क, उसको आपने यहां से सेंटर टेर किया, गोल इस तरह साइड में दायरा बनाया, इस तरह दायरा बनाया, फर्स्ट टाइम आपने इसको होंठों से खींचा, आवाज सुनाई, सेकंड टाइम आपने इसको फोल्ड करा अंदर और ऐसे खींचा, उसके बाद जो ऊपर का हिस्सा आपने इसको फोल्ड करके इसके ऊपर रखा, अब नहीं यहां से दिखता है और नहीं यहां से दिखता है। नाउ सिर्फ नोट कड़क होना चाहिए, उसके बाद आप फूंक मारेंगे तो ऐसा लगता है जुड़ गया, जुड़ता नहीं, सॉरी बॉस। चले भाई आपको इनाम घर की तरफ से 2000 रुपए मिलेंगे, तशरीफ रखिए आप। थैंक यू सो मच। सारे हो गए कर्तव्य आपके? बहुत सारे हैं सर, इंशाल्लाह ताला कभी नेक्स्ट टाइम मिला। शाहरुख साहब के लिए बहुत सारी तालियां, ये कर क्या होगा करके तो जाए नेक्स्ट। अच्छा बिल्कुल, ये था क्या मसला, क्या था ये? डिफरेंट गार्डन ठीक है सारे, ठीक है हाँ। मैं यूं कर रहूंगा, मुझे कहीं भी रोकेंगे मैं रुक जाऊंगा, हाँ ठीक है, जहां मुझे रोकेंगे मैं वहां रुकूंगा। आप इन्हें पत्ता मैं आपको दे दूंगा, आपने पत्ता दिखा देना है, फिर मैं आपको पत्ता बता दूंगा, ठीक है? अच्छा ये यूं है, चले मैं समझ गया, इसलिए कि ये ताश मेरी समझ में नहीं आते। शाहरुख साहब के लिए तालियां होनी चाहिए और